क्या आप जानते हैं WhatsApp पर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का क्या मतलब होता है? नहीं तो ये तो पता ही होगा कि थैंक्स और थैंक यू में क्या अंतर है, पर ये तो जरूर पता होगा कि अक्सर वायरल मीम्स में दिखने वाला ये बच्चा कौन है। अगर नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो बने रहिए फैक्ट टेक इन हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, WhatsApp पर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड दिखाए जाने का क्या मतलब होता है? एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब होता है सूचना या मैसेज को सीक्रेट तरीके से स्टोर करना या भेजना। आइए समझते हैं कैसे। दरअसल एनक्रिप्शन एक ऐसी सीक्रेट प्रोसेस है जिसमें आपके डेटा को एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे पढ़ना या समझना लगभग एक आम इंसान तो क्या हैकर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अगर एनक्रिप्शन नहीं होगा तो आपके द्वारा भेजा गया कोई भी मैसेज या फोटो इंटरनेट में भेज दिए जाने के बाद किसी के द्वारा पढ़ा, देखा या समझा जा सकता है। इंटरनेट रूपी जंगल में जाने के बाद उस पर आपका कोई जोर नहीं होता, ऐसा अधिकतर हैकर्स के द्वारा किया जाता है। पर एनक्रिप्शन काम ऐसे करता है, इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी को WhatsApp पर हेलो भेजा, लेकिन जिसे आपने ये हेलो भेजा है वो उस तक पहुंचने से पहले एक कोड में कन्वर्ट हो जाएगा और हेलो वर्ड की जगह कोड में ही इंटरनेट के तारों से होकर गुजरेगा और जिसे आप भेज रहे हैं उसके फोन में पहुंचकर डीकोड हो जाएगा और कोड की जगह उसे हेलो टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगा। सीधे शब्दों में कहें तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन ने हेलो वर्ड को इंटरनेट पर ले जाने से पहले एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया जिसकी एक चाबी आपके पास, दूसरी चाबी जिसे हेलो भेजा है उसके पास होगी, ताकि इसे इंटरनेट पर कोई और न पढ़ पाए। एनक्रिप्शन आपकी पर्सनल चीजों को जेड सिक्योरिटी देता है, फिर चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो, फोन कॉल हो या फिर आपका निजी ऑनलाइन डेटा हो। प्राइवेसी के झमेले में फंसने के कारण WhatsApp ने सिक्योरिटी फीचर ये लॉन्च किया है। फैक्ट नंबर टू, थैंक्स और थैंक यू में क्या अंतर है? लॉस एंजलिस में रहने वाले अंग्रेजी शब्द के प्रसिद्ध लेखक गैरिक सेटो बताते हैं, अंग्रेजी में थैंक यू और थैंक्स दोनों शब्दों का काफी महत्व है। ये दोनों शब्द हिंदी के धन्यवाद का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, दोनों का अपना स्थान है और आपको आने वाले एक मिनट में समझ में आ जाएगा। पहले जानते हैं थैंक्स शब्द का उपयोग कब किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में थैंक यू एक औपचारिक यानी ऑफिशियल शब्द है, जबकि थैंक्स एक अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे पर्सनल रिलेशन काफी अच्छे हैं, आपके लिए कोई काम करता है, तब अंग्रेजी में उसे थैंक्स कहकर आभार प्रकट किया जाता है। ऐसा नॉर्मली दोस्तों, भाई बहनों, साथ काम करने वाले, सहयोगी, कार्यकर्ता और हमारे अंडर काम करने वालों को कहा जाता है। हिंदी में इस भावना को प्रकट करने के लिए कोई एक ऑफिशियल वर्ड नहीं है। लोकल भाषाओं में और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार प्रतिक्रियाएं दी जाती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो थैंक्स वाला आभार प्रकट करने के लिए एक मीठी सी गाली भी दी जाती है। आप जानते हैं थैंक यू शब्द का उपयोग कब करते हैं? जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि थैंक यू एक औपचारिक यानी कि ऑफिशियल शब्द है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आपके पर्सनल रिलेशन यानी व्यक्तिगत संबंध नहीं है, वो आपके लिए ऐसा कोई काम करता है जिसके बदले आपको उस पर आभार प्रकट करना है, तो आप बड़ी विनम्रता के साथ थैंक यू शब्द का उपयोग करते हैं। परिवार में अपने से बड़ी उम्र के लोगों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए भी थैंक यू शब्द का उपयोग किया जाता है। इसमें खास बात और भी है, थैंक यू के साथ साथ आप ये भी बताते हैं कि ये धन्यवाद आप किस काम के लिए दे रहे हैं, जैसे थैंक यू फॉर गिविंग मनी। जबकि थैंक्स में ऐसी कोई बड़ी शर्त नहीं है, दिल के रिश्ते हैं एक शब्द में पूरे हो जाते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, अक्सर वायरल मीम्स में दिखने वाला ये बच्चा कौन है? दोस्तों, इंग्लिश में कहावत है बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। हिंदी में भी कहावत है छोटा तीर घाव करे गंभीर। दोनों भाषाओं की कहावत का मतलब है कभी किसी के छोटे कद से उसकी काबिलियत को कम मत आंकिए। आपको बता दे, अक्सर मीम्स में नजर आने वाला कोई बच्चा नहीं बल्कि ये 38 साल का एक आदमी है। ये वो नाइजीरियन एक्टर है जिसके एक्सप्रेशन वाले GIF आपके हर मूड को शो करने में काम आते हैं। इनका नाम है ओसिता इहेम। ये नॉलीवुड यानी नाइजीरियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं। इन्हें नाइजीरियन फिल्म में कॉमेडी किंग के नाम से जाना जाता है और इन्हें नॉलीवुड के बेस्ट एक्टर की गिनती में भी माना जाता है। इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 2003 में बच्चे की भूमिका निभाते हुए की थी, लेकिन वो फिल्म अकाई ना उकुआ के बाद फेमस हो गए। आपने उन्हें सोशल मीडिया पर किसी मीम वीडियो या पिक्चर में जरूर देखा होगा। सोशल मीडिया पर इनके मीम्स को पाव पाव मीम्स से जाना जाता है। फैक्ट नंबर फोर,
भारत के हर एक पुलिस स्टेशन में सैकड़ों गाड़ियां खुले में क्यों सड़ती रहती हैं? आइए आज इसका सच जानते हैं। दरअसल इसमें तीन तरह के वाहन होते हैं। पहली तरह के वाहन वो होते हैं जिन्हें किसी मर्डर, चोरी या किसी अन्य गुनाह में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी गाड़ियों को पुलिस सीज कर देती है ताकि उसे सबूत के रूप में पेश किया जा सके, और जब वो केस चलता है तब वो गाड़ी पुलिस स्टेशन में सड़ती रहती है। ऐसी गाड़ियों को केस प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी तरह की गाड़ियां वो होती है जो विदेशों से ड्यूटी चोरी करके इंपोर्ट की गई होती है। उन्हें भी पुलिस जब्त कर लेती है, और जब तक मालिक पूरा ड्यूटी चुका नहीं देता तब तक वो गाड़ियां नहीं छोड़ी जाती। इस कारण से पुलिस स्टेशनों में ये सड़ती रहती है। तीसरी तरह की गाड़ियां चोरी की होती है जिसमें पुलिस असली मालिक का पता लगाने की कोशिश करती है, और यदि पता नहीं लगता तो गाड़ी लावारिस पड़ी रहती है। हालांकि कई बार पुलिस अदालत से इजाजत मिलने के बाद ऐसी गाड़ियों की नीलामी भी करती है जिसमें आपको सस्ते दाम पर अच्छी गाड़ियां मिल जाती हैं। आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में पता लगाते रहिए कि वहां कब ऐसी गाड़ियों की नीलामी होती है, लेकिन जब तक ऐसी गाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है तब तक ये गाड़ियां एकदम सड़कर कबाड़ बन चुकी होती हैं, और इन्हें सिर्फ कबाड़ी वाले ही खरीद सकते हैं। अब आप देखिए कैसी कैसी लग्जरी गाड़ियां पुलिस थानों में पड़ी हुई सड़ रही हैं। फैक्ट नंबर 5, व्हाट्सएप पर चैट फीचर में अलग अलग कलर के दिल क्यों दिए जाते हैं? आपको बता दें, इन सभी रंगों के दिलों का अलग अलग मतलब होता है। आइए बताते हैं। अगर कोई अपनी बातों में ब्लू हार्ट इमोजी का प्रयोग करता है तो वो आपके प्रति विश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई अपनी बातों में रेड हार्ट का प्रयोग कर रहा है तो आपके प्रति अपना प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमें हमारे भाई बहन, परिवार वाले और दोस्त भी बहुत प्यार करते हैं। किसी खास व्यक्ति को दिल से धन्यवाद देने के लिए इस हार्ट का प्रयोग करना चाहिए। किसी के प्रति अपना गुस्सा या नफरत दिखाने के लिए ब्लैक हार्ट का उपयोग करना चाहिए। मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, ये दिखाने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। किसी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए पर्पल हार्ट का प्रयोग किया जाता है। हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, इसके लिए ऑरेंज हार्ट का प्रयोग करना चाहिए। अगर ग्रीन हार्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रकृति के प्रति अपना प्रेम दिखाना चाह रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, कार ब्रांड का नाम 95% लोग गलत बोलते हैं। ब्रिटेन में 1000 लोगों पर सर्वे किया गया जिनमें हर एक किसी को 10 कार ब्रांड के नामों को प्रोनाउंस करने के लिए कहा गया। हैरानी की बात थी कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सभी 10 ब्रांड के नाम का सही उच्चारण कर सके। दरअसल इसका खुलासा सेलेक्ट कार लीजिंग की एक स्टडी में हुआ। यही नहीं, BMW 3 शब्दों वाला एक ब्रांड है, ऐसे में लोग इसे BMW बोलते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि इस गाड़ी का सही उच्चारण है BMW। केवल 6% लोग ही हुंडई का सही उच्चारण कर सकते हैं। इसके कहने का सही तरीका है हुंडई। रेनॉल्ट को भी लोग अक्सर गलत उच्चारित करते हैं। जब भी आप इसे बोले, इसे L और T अल्फाबेट को भूल जाएं और इसे बस रेनो कहकर उच्चारित करें। शेवरले को लोग अक्सर शेवरलेट कहते हैं, लेकिन असल में इसमें टी साइलेंट होता है। इसका सही प्रोनंसिएशन है शेवरले। पोर्श और स्कोडा के नामों के उच्चारण में अन्य सामान्य गलतियां की गई। स्कोडा का सही उच्चारण जहां स्कोडा है, वहीं पोर्शे का पोर्शा। वॉक्सवैगन के लिए लोग शुरुआत के शब्दों से इस कार का ब्रांड का उच्चारण कर देते हैं, लेकिन सही मायने में हम इसे फॉक्सवैगन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।